खबर इस वक्त आ रही है इंडिगो के फ्लाइट में एयर होस्टेस से छेड़खानी का मामला। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पटना में लैंड करते ही हिरासत में लिया गया शख्स। अहमदाबाद से पटना आ रही थी इंडिगो के फ्लाइट और फ्लाइट में क्रू मेंबर के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा है। बेतिया का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा मानसिक रूप से बीमार है, आरोपी पुलिस का यह दावा है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, आपको बता दें कि एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी की खबर इस वक्त आ रही है, जिसके बाद पटना एयरपोर्ट पर लैंड करते ही युवक को दबोच लिया गया। हालांकि पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है कि मानसिक रूप से दरअसल परेशान युवक लग रहा है और अहमदाबाद से पटना आ रही थी इंडिगो की फ्लाइट, फ्लाइट में क्रू मेंबर के साथ दुर्व्यवहार करने का आरोप लगा। बेतिया का रहने वाला आरोपी बताया जा रहा है मानसिक रूप से बीमार है आरोपी, पुलिस ने अब तक ये दावा किया है। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, उत्कर्ष हमारे साथ योगी जी, उत्कर्ष पूरी जानकारी क्या है? बिल्कुल संजय, देखिए पटना एयरपोर्ट पर आज उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब पटना एयरपोर्ट पर इंडिगो में एक मानसिक रूप से दिव्यांग यात्री को पटना पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि अहमदाबाद से पटना आने वाली इंडिगो फ्लाइट में संख्या 6E126 में सवार था ये यात्री, मानसिक रूप से पीड़ित बताया जा रहा है। फ्लाइट के अंदर बताया गया कि फ्लाइट के अंदर इसने वॉशरूम में अपने आप को लॉक कर लिया था, उसके बाद जो हंगामा है वो मचाया गया, जिसके बाद पटना लाने के बाद उसे पुलिस के हिरासत में दे दिया गया। हालांकि एयरपोर्ट पुलिस के जो एसएचओ है विनोद पीटर, उन्होंने बताया है कि यात्री कमर रियाज नाम है उनका, जो मानसिक रूप से बीमार है उसे पुलिस ने अरेस्ट किया है, उसकी तमाम चीजों की वेरिफिकेशन की जा रही है। अगर मानसिक रूप से वो पीड़ित होगा तो उसे फिर पुलिस के द्वारा आगे की कार्रवाई करके छोड़ दिया जाएगा। संजय, लेकिन चूंकि ये कंप्लेन की गई थी और ये मामला वाकई में बड़ा गंभीर है, क्या ये अब तक पुख्ता हो चुका है? चूंकि मेडिकल तो करवाया जाएगा, लेकिन अगर वो शख्स कोई ऐसी हरकत कर रहा था जिससे वाकई में आपत्ति थी, जिसको लेकर विरोध हो रहा था, ये कंप्लेन बहुत हल्के में ली जा रही है या पुलिस की तरफ से सारी जाँच पड़ताल लगभग की जा रही है? बिल्कुल संजय, देखिए एसएचओ जो है पटना एयरपोर्ट पुलिस स्टेशन के, उनके द्वारा तमाम ये जांच पड़ताल की गई है। हालांकि जो पीड़ित है उसके पास कई दस्तावेज भी मिले हैं, कई जो मेडिकल रिपोर्ट्स है वो मिली है, जो बता रहा है कि पीड़ित जो है वो मानसिक रूप से बीमार है। साथ ही साथ उनके साथ इनका एक भाई भी है जिसको पटना पुलिस ने पकड़ा है, जो तमाम जानकारी दिया है। और साफ उन्होंने कहा है कि जो पीड़ित है वो मानसिक रूप से बीमार है, उसके पास कई जो हॉस्पिटल के पेपर्स भी मिले हैं, जिसके बाद पुलिस ये बात सामने आई है। पुलिस ने साफ कहा है कि ये जो लड़का है जो पकड़ा गया है वो मानसिक रूप से बीमार है, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करके फिलहाल उसे छोड़ दिया है। मानसिक रूप से बीमार था फिर भी इसके, ये अकेले ट्रैवल कर रहा था, कोई साथ में भी था? बिल्कुल संजय, देखिए उसके साथ उसका एक चचेरा भाई था, हालांकि जो भाई था वो उससे छोटा था, जिस वजह से वो उसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। और जिस तरीके से जो मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति था उसका नाम कमर रियाज था, और कहीं ना कहीं वो उस तरीके की बदमाशी कर रहा था, जिस वजह से जो पैसेंजर्स थे उन्हें काफी परेशानी हो रही थी, जिसके बाद पैसेंजर्स ने शिकायत किया, उसके बाद ही इसे हिरासत में लिया गया था। जी बिल्कुल, धन्यवाद उत्कर्ष इस पर तमाम जानकारी के लिए। कुल मिलाकर यह कि पुलिस की हिरासत में इस वक्त युवक है, लेकिन पुलिस का दावा है कि मेडिकल करवाने के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। हालांकि युवक का भी फौरी तौर पर देखा जा सकता है, या पुलिस का दावा है कि वो मानसिक रूप से बीमार लग रहा है।